नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको परसेप्शन के बारे में बताऊंगा। ये मेरा लेक्चर है ऑन परसेप्शन एंड इंट्रोडक्शन। परसेप्शन क्या है, हम शुरू करते हैं। इसमें वीडियो मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि एक इसमें एक एक मिनट 45 सेकंड एक छोटी सी वीडियो है, जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि परसेप्शन क्या है। आगे हम देखेंगे कि जो हमारा ये आज का जो लेक्चर है, इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहला है डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ परसेप्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन, परसेप्शन बाय गेस्टाल्ट स्कूल, प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, एंड फाइनली विल गो फॉर व्हाट वी हैव लर्नड एंड सेल्फ इवैल्यूएशन। हम देखते हैं कि विलियम जेम्स वंस सेड, इफ यू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एज इट इज अपीयर्स टू अस, इट विल बी अ बिग बूमिंग बजिंग कन्फ्यूजन। हेंस वी डू नॉट सी द थिंग्स एज दे अपीयर, बट वी सी देम एज वी वांट, दैट इज मोर मीनिंगफुली। अब हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है परसेप्शन की। परसेप्शन की काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो मुझे लगी वो ये है, परसेप्शन एक कॉग्निटिव कंपोनेंट है विच कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच वी रिकॉग्नाइज, इंटरप्रेट और गिव मीनिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सेंस ऑर्गन्स। ये एक परसेप्शन है। इसको एक study.com है, वो भी उसको किस तरह से डिफाइन करता है परसेप्शन को, अ प्रोसेस वेयर वी टेक इन सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड यूज दैट इन्फॉर्मेशन फॉर इंटरेक्शन। साधारण शब्दों में कहता हूँ कि हम बाहर के इन्वायरमेंट से हम जो सूचनाएँ लेते हैं, वो हमारे लेकर सूचनाएँ हमारे सेंस ऑर्गन्स लेती हैं, और दैट इन्फॉर्मेशन आर बींग प्रोसेस्ड, और फिर उन सूचनाओं का हम अर्थ समझते हैं, फिर हम देखते हैं कि हम किस तरह से इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं। ये आप कह सकते हैं एक परसेप्शन। अब आगे देखेंगे कि एक छोटा सा एक सब प्रोसेस है परसेप्शन का, ये NCERT बुक से लिया गया है। पहले एक स्टिमुलस आता है, एक उद्दीपक आता है, फिर हम सेंसरी रिसेप्टर्स हमारे उसको रिसीव करते हैं, अटेंशन हम ध्यान लगाते हैं, एंड जो CNS है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इसमें एंट्री करते में जो ये स्टिमुलस है वो एंटर करता है, एंड लर्निंग मेमोरी एंड अदर साइकोलॉजिकल प्रोसेस, हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता रहता है, और उसके बाद हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मीनिंग है उसको परसीव करते हैं। ये देख रहे हैं छोटी फिगर, ये देखिए एक फिगर है नीचे, एक इंडिविजुअल इसको परसीव 6 कर रहा है, दूसरा 9 कर रहा है। ये है परसेप्शन, क्योंकि वो उस एंगल पे है, उस एंगल पे दोनों अपने अपने एंगल से देख रहे हैं इसको, दिस इज कॉल्ड परसेप्शन। अब आप देखें कि हमने आपको बताया परसेप्शन क्या है, इसका मीनिंग देखिए, द एबिलिटी टू सी हियर और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग थ्रू द सेंसेस। ये 5 सेंस हमने दिखाए हैं, किस तरह से 5 बेबी कार्टून हम दिखा रखे हैं कि 5 सेंसेस के माध्यम से सूचना हमारे अंदर मस्तिष्क में आती है और फिर हम सूचना को परसीव करते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इन 5 सेंसों के साथ 2 सेंस भी होती हैं और होती हैं, जिसको हम काइनेस्थेटिक सेंस और वेस्टिबुलर सेंस कहते हैं। काइनेस्थेटिक सेंस देखेंगे आप, एक उसको मूवमेंट इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, इज अ परसेप्शन ऑफ बॉडी मूवमेंट। देखो अभी महिला को आप देख रहे हैं कि किस तरह से इन पानी का मटका उठाया हुआ है, और ये हाथ से इस तरह से देख भी रही है और चल भी रही है, कहने के बॉडी के जो इंटेलिजेंस है कि किस तरह से हमारे शरीर की बॉडी पोजिशन में चेंजेज होते रहते हैं। अगर मटके के ऊपर पूरा इनका कंट्रोल है, पूरे गिरने में देते, कई बार हाथ भी छोड़ देते हैं, मटके बिल्कुल हाथ में आते हैं फिर भी चलते रहते हैं, ये कहलाती है आपकी काइनेस्थेटिक सेंस। दूसरी बात आती है हमारी वेस्टिबुलर सेंस। आपने देखा होगा कि वेस्टिबुलर सेंस हमारे कान जो ईयर है उसके अंदर, ईयर के अंदर एक वेस्टिबुल होता है कैलिया और एक वेस्टिबुलर कैनाल होती है, दोनों मिलकर हमारी इस वेस्टिबुलर सेंस को के बनाते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स सेंस कंसर्न विद द परसेप्शन ऑफ बॉडीली पोजिशन एंड मोटिवेशन, मेडिटेड बाय ऑर्गेन्स इन वेस्टिबुलर सिस्टम एंड स्टिमुलेटेड बाय ऑल्ट्रेशन इन द पुल ऑफ ग्रेविटी एंड बाय हेड मूवमेंट। आप देखें, सिंपल सी बात है, एक इसका बेस्ट एग्जांपल है कि आप देखो छोटे बच्चे कार्टून दिखाए गए, जब बचपन में हम घूमते हैं गोल गोल घूमते हैं, उसके बाद जब बैठ जाते हैं हमें चक्कर आने लगते हैं, या रुक जाते हैं तो हम चक्कर आने लगते हैं, जो कारण क्या वेस्टिबुलर सेंस वो हमारी सिचुएशन को बताती है। अब आगे हम देखेंगे कि कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे परसेप्शन को इफेक्ट करते हैं। दो फैक्टर हैं, दो टाइप के होते हैं वो, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर होते हैं परसीवर, यानी जो इंडिविजुअल जो परसीव कर रहा है, जो परसेप्शन प्रत्यक्षण करता जो है, उनके ऊपर उसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या इफेक्ट डालते हैं परसेप्शन पे, और एक्सटर्नल वो है स्टिमुलस के, यानी स्टिमुलस जो आ रहा है हमारे पास सूचना आ रही है वो हमारे परसेप्शन को किस प्रकार से प्रभावित करता है। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले इंटरनल फैक्टर्स की बात करते हैं, परसेप्चुअल लर्निंग एक्सपीरियंस। आप देखिए सेंटेंस मैंने इस पर लिखा हुआ है, क्लीन भारत ग्रीन भारत, हालांकि ये सेंटेंस कंटिन्यूस है, फिर भी हम इसका अर्थ निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले से क्लीन भारत ग्रीन भारत के नाम से कोई स्लोगन सुना होगा या उसके अर्थ को हम जानते हैं, इसलिए हम इसको परसीव कर पाते हैं। दूसरा देखें परसेप्चुअल सेट और मेंटल सेट। ये आप देखेंगे कि जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसका बारे में हम एक मेंटल सेट तैयार करते हैं। जैसे लिपन 1935 में एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट पर प्रूव भी कर दिया था
कि परसेप्शन मेंटल सेट होता है कि आप शॉपिंग करने जाते हैं, शॉपिंग पहली दुकान पर आ जाते हैं, फर्स्ट शॉप पर आ जाते हैं, आपने कोई कपड़ा देख लिया है, कोई जैसे महिलाएं हैं सूट देख लिया कि आपने कोई जूता पसंद आ गया, बट वो स्टार्ट टॉकिंग, आप रेट की जब बात करते हैं उनको रेट ज़्यादा लगता है आपको, तो आप उसको छोड़ के आ जाते हैं। जब दूसरी दुकान पर आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि वो आप उसको कंपेयर करना शुरू कर देंगे, वो ऐसा था, क्योंकि हम एक मेंटल सेट हमारा उससे बन चुका होता है, इसको हम परसेप्चुअल मेंटल सेट कहते हैं। अगला देखें मोटिव्स एंड नीड्स, अब देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल नीड्स का है। ये लेविन कीन और मफी का 1942 का एक्सपेरिमेंट था, उस ग्रुप भी बहुत अच्छे साइंटिस्ट रहे जिन्होंने भी 1953 में उन्होंने एक बताया कि जब भी वो ऑफिस से खाना खाने जाया करते थे तो एक जगह लिखा रहता था 400D, तो उसको हमेशा वो भूखे रहते थे, उसको फूड पढ़ते थे, लेकिन एक दिन जब ध्यान से उन्होंने देखा तो 400D है। इसी तरह जो पिछला एक्सपेरिमेंट था मर्फी का एंड एटोल का जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने फिजियोलॉजिकल नीड पे किया था, बहुत सारे लोगों को भूखा रखा तो उसके बाद उन्होंने उसको कुछ जो फूड आइटम्स और नॉन फूड आइटम्स दोनों को उन्होंने उनको परसीव करने को कहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उन लोगों ने जो भूखे थे उन्होंने फूड आइटम्स को बड़े अच्छे तरह से परसीव किया था। अब कुछ हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं, साइज है, इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी, स्टेटस, मूवमेंट, ये सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो कि स्टिमुलस के होते हैं, वो उसको प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं तो एक मेजर स्कूल ऑफ थॉट है, इसको हम परसेप्शन बाय गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, परसेप्शन बाय गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट। अब हम देखते हैं कि गेस्टाल्ट जो स्कूल था, एक मैक्स वर्डाइमर, कर्ट कोफका एंड वोल्फगैंग कोहलर ने इसको फाउंडर थे इसके, मेनली मैक्स वर्डाइमर को इनका गेस्टाल्ट स्कूल थॉट ऑफ का जनक माना जाता है। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है होल इज बेटर देन सम ऑफ इट्स टोटल पार्ट्स, यानी कि जो एक हम चीज़ें देखते हैं उन सब का अगर हम जोड़ दें कुछ चीज़ों को और उसका जो आउटपुट आती है, जो एक प्रोडक्ट है, दैट इज़ बेटर देन सम ऑफ देयर पार्ट्स। एग्जाम्पल कोई भी एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिना है, स्कूल का एग्जाम्पल ले लो, कॉलेज का एग्जाम्पल ले लो, कॉलेज क्या है, इस तरह से कोई बिल्डिंग को ये मिला के कॉलेज नहीं बनता है, इन सब से मिला कर जो कॉलेज बना, एक शब्द बना, इसको हम कह सकते हैं ये होल, ये ही गेस्टाल्ट जो परसेप्शन है। अब आप देखेंगे इसके दो प्रिंसिपल, उन्होंने काफ़ी अच्छे प्रिंसिपल्स के दिए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, पहला है फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप और दूसरा है ग्रुपिंग ऑफ स्टिमुलाई इन परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। अब शुरू से हम बात करते हैं फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। आप देखेंगे कि ये पिक्चर आपके सामने है, अगर इसको आप ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये पिक्चर में दो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, पिलर्स एंड फिगर ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स, जो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, एक सर्टन पोजिशन में वो खड़े हैं। जब भी आप किसी भी एक पिक्चर को देखते हैं तो जो इमेज आप देख रहे हैं दूसरी इमेज इमीडिएटली बैकग्राउंड बन जाती है, और दिस इज इंटरचेंजेबल, समटाइम्स पिलर्स आर योर फिगर एंड द ब्लैक पोर्शन इज योर बैकग्राउंड, सिमिलरली द ब्लैक पोर्शन इज योर फिगर एंड वाइट पोर्शन इज बैकग्राउंड। काफ़ी सारे इसके प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब आप दूसरी इमेज आपके सामने आप देखेंगे, देखिए ये एक आपके सामने ट्री दिखाई देता है, दो बर्ड हैं, अच्छा ध्यान से देखते हैं तो आपको दो एनिमल भी, वाइल्ड एनिमल भी इसमें दिखाई देते हैं, जो एक तरफ दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो जिसको आप देख रहे हैं, जिसको आप ध्यान देते हैं वो फोर फ्रंट में आ जाता है, और जिसको आप दूसरा जो पोर्शन है वो दिस गेट टू बैक, वो बैकग्राउंड बन जाती है। ये फिगर का रिलेशनशिप था। अब देखेंगे कि नेक्स्ट जो पर्सन के लोग प्रिंसिपल थे, हम मेजरली आप पाँच ही डिस्कस करेंगे, प्रोक्सीमिटी, सिमिलरिटी, कॉन्टीन्यूटी, क्लोजर एंड सिमेट्री। अब देखेंगे एक एक चीज़, आप देखेंगे प्रोक्सीमिटी, हम देखेंगे कुछ डॉट्स लगे हुए हैं, सारे डॉट्स एक तरह से अलग अलग टाइप के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब इसको ध्यान से हम देखते हैं तो हमें एक पिक्चर इमेज इसमें दिखाई देती है, क्योंकि जो गेस्टाल्ट थॉट कहता है, गेस्टाल्टिस्ट कहते हैं कि हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे स्टिमुलस को, और जो नज़दीक होते हैं उन स्टिमुलस को ऑर्गेनाइज करके एक संगठित एक ऑर्गेनाइज इमेज को हम देखते हैं, जो कि हमें एक डॉट की पिक्चर दिखाई दे रही है, ये प्रोक्सीमिटी की बात आती है। नेक्स्ट देखेंगे कब इशारा, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट प्लेट्स हमने सब ने यूज़ किए होंगे, कभी ना कभी हमारे लाइफ में हमने कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट दिया होगा, उस टेस्ट पे आप देखेंगे कि ये सिमिलरिटी, जो सिमिलर कलर है, दे आर ऑर्गेनाइज्ड, दे आर प्लेस एट ए नियर बाई पोजिशन, एंड उनको हम एक फिगर के रूप में परसीव करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये वन दिखाई हमें दे रहा है, हालांकि बैकग्राउंड सभी की वाइट है, डॉट्स अलग अलग हैं, ब्लू है और ये थोड़े से रेडिश टाइप कलर हैं, ऑरेंज टाइप कलर्स दिखाई दे रहे हैं, बट ऑरेंज डॉट्स हैं, दे आर ऑर्गेनाइज्ड है, वो सिमिलर कलर में है, तो हमें सिमिलरिटी में एक एज ए होल पिक्चर दिखाई दे रही है, दिस इज एक्चुअली हमें 12 दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे इसको, इफ़ वी परसीव इन बट वी थिंक इन दिस वे, वी फाइंड दैट दिस आर स्मॉल डॉट्स विच आर प्लेस्ड, सिमिलर डॉट्स प्लेस्ड टुगेदर एंड वी परसीव दम एज ए वन फिगर। नेक्स्ट देखेंगे
कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी में हमें एक ये एक एंटीलोप की फिगर दिखाई दे रही है, एंटीलोप इन ए जंपिंग पोजिशन। हालांकि मेरा जो वर्टिकल और पैरेलल बार्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ आपको स्मॉल डॉट्स, सारे वर्टिकल डॉट्स हैं, ये वर्टिकल बार्स हैं और आपको एक तरह से ऑर्गेनाइज है, ये कंटिन्यूएशन में है, कंटिन्यूएशन। हमें अलग अलग डॉट्स बार नहीं दिखाई दे रहे हैं, हम परसीव नहीं कर पा रहे हैं, हम इसको एक फिगर परसीव करते हैं। तो ये सिमिलर कंटेंट का नियम कहता है कि किस तरह से जो स्टिमुलस होते हैं अगर वो कंटिन्यूस हो, हम उसको तो एक फिगर, एक होल फिगर उसको हम देखते हैं बजाय उनको डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलस देखने के। अब आप देखें क्लोजर का, क्लोजर मींस इसमें आप देखें हमारे ब्रेन में एबिलिटी है, परसीव हम करते हैं तो वी फिल द गैप्स। अब आप इसमें एक आपको सॉलिड ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है वाइट कलर का, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता बट हमें परसीव होता है। कारण ये है कि जो गैप है उसको हमारा ब्रेन फिलअप कर लेता है और यही गेस्टाल्टिस्ट कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। हम लास्ट में देखते हैं कि सिमेट्री। अब आप सिमेट्री में देखेंगे कि कैसे ये दो फिगर हैं हमें असिमेट्रिकल दिखाई दे रही हैं, ऊपर नीचे हमें दिख रही हैं, लेकिन अगर इनको ध्यान से हम असिमेट्रिकल फिगर्स हैं ये, और जब एक जैसी फिगर है इसकी बैकग्राउंड के माध्यम से हम इसको देखते हैं और आगे अगली स्लाइड में आपको पता चलेगा कि कैसे जब इस फिगर को नज़दीक ले आते हैं तो सिमेट्रिकली दे बिकम वन फिगर। हमें अब इनको अलग नहीं कर पाएंगे, देख पाएंगे कि ये कौन कौन सी फिगर वो अलग थी गया, मीन्स सिमेट्री। अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट में आप देखेंगे फाइनली विल सी व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा। परसेप्शन अकर्स आफ्टर सेंसरी इनपुट, सेंसरी इनपुट के बाद परसेप्शन होता है, रोल ऑफ सेवन सेंसेज इन परसीविंग, उसके बाद फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर परसेप्शन, द रोल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट इन एक्सप्लेनिंग द डिफाइनिंग परसेप्शन, प्रिंसिपल्स दैट एक्सप्लेन द परसेप्चुअल प्रोसेस। अब आप देखें इसमें लेट अस नाउ सी सेल्फ रिलेशन करते हैं। आप पढ़िए इनका, इसका आंसर ढूंढिए, अगर नहीं मिलता है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, रीड इट अगेन, लिसन इट अगेन एक एक करके, और फिर इन क्वेश्चंस का आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। जैसे आउट ऑफ परसेप्शन सेंसर विच अकर्स फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर टू गेस्टाल्ट वर्ड बिलोंग टू विच लैंग्वेज, क्वेश्चन नंबर थ्री डॉक्टर्स यूज इस ईयर कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट प्लेट टू टेस्ट द कलर ब्लाइंडनेस, दीज प्लेट्स आर डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ सैंपल क्वेश्चन दिए गए हैं। आप बच्चों इस वीडियो को देखें और इसमें जो क्वेश्चन जो इसमें दिए और भी क्वेश्चन आप बनाएं, नहीं अगर आपको आता है तो सुबह फिर हम इसको एक बार डिस्कस करेंगे और मैं आपसे इनसे जरूर इससे मैं प्रश्न पूछूंगा और हम इस पर एक छोटा सा एक क्वेश्चन पर हम इसका आपका टेस्ट भी लेंगे। ये था आज का परसेप्शन, आपके कोई प्रश्न, ये कुछ रेफरेंसेज जहाँ से मैंने लिए हैं इस वीडियो से समझ, आपको कुछ प्रश्न हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास है। और इस तरह से आप इस वीडियो को बार बार देखें और समझें, इसको कोई समस्या आती है आई एम देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।